अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक और मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं कि वो कौन से तीन ऐसे काम हैं जो आप कर लें तो बआसानी आप CSS कर सकते हैं। वो घर बैठकर भी हो सकते हैं और किसी इदारे को ज्वाइन करके भी हो सकते हैं। पहला काम, डेवलप रीडिंग स्किल, यानी अपनी मुतालिया की, पढ़ने की आदत को बनाएं, बढ़ाएं और डेवलप करें। नंबर टू, डेवलप राइटिंग स्किल, अपनी तहरीर की सलाहियत को बढ़ाएं। अगर आप लिख सकते हैं, चाहे वो एक जुमला हो, चाहे वो एक पैराग्राफ हो, चाहे एक एस्से हो, चाहे एक आर्टिकल हो, तो फिर आप बआसानी CSS कर पाएंगे। और अगर आप में लिखने की महारत और सलाहियत नहीं है तो याद रखिए, आप कभी CSS नहीं कर पाएंगे। तीसरा और आखिरी स्किल है आपका डेवलप डिस्कशन स्किल्स, यानी अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपनी बातों को, अपने ख्याल को दूसरों तक पहुँचाना। अगर आप कामयाबी से, आसानी से अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और उनकी बात सुन सकते हैं तो बड़ी आसानी से आप CSS कर सकते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप लिख सकते हैं और अगर आप बता सकते हैं तो यकीनन CSS आसान है। और अगर इन तीनों में से कोई एक महारत और सलाहियत आपके अंदर नहीं है या कम है तो फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए, इन तीन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है और फिर इन्हें डेवलप करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट का सिर्फ एक गुर है और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। पढ़ते जाएँ। जितना वसी मुतालिया होगा उतनी आसानी होगी, उतनी मालूमात और इल्म में इजाफा होता जाएगा। जितना लिखते जाएंगे उतना तहरीर में महारत आएगी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपका एक्सप्रेशन डेवलप होगा। और जितने आप डिस्कशंस करते जाएंगे तो आप बेहतरीन लिसनर भी बन पाएंगे और बेहतरीन स्पीकर भी बन पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये टिप्स आपके लिए बहुत ही मुफीद और मुआवन साबित होंगी। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।